तो यीशु मसीह के वचन में से अभी हमने यूहन्ना 15:19 को क्या पढ़ा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है, तुमसे नफरत करता है ना? जो बात हम यूहन्ना 15 पहले वचन में पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा था सच्ची दाखलता और तुम डालियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारे फल को पाओगे, लेकिन मुझसे अलग होकर अगर तुम संसार में जाओगे तो तुम संसार के नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। जो क्या होता है कि जो जंगली जैतून होता है, एक पेड़ होता है जंगली जैतून का जिसमें फल नहीं आता, और एक होता है फलदार जैतून जिसके अंदर फल आता है। तो जंगली जैतून में से डाली को काटा जाता है, उसको कलम किया जाता है, और फलदार जैतून के अंदर चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर जो फलदार जैतून है, जो जंगली जैतून है, उसको फलदार जैतून में कलम कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। समझ आया? जंगली जैतून में से क्या करेंगे, डाली को काटेंगे, क्योंकि जंगली जैतून में क्या नहीं है, फल नहीं है। उसको फिर क्या करेंगे, फलदार जैतून जो होता है उसको पेड़ के अंदर चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर बीच में सुराख किया जाता है, सुराख करके वो जो जंगली जैतून की डाली थी फलदार जैतून में डाल देंगे, कलम कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, कलम कर देंगे, है ना। और जब उसमें कलम हो जाता है तो जो जंगली जैतून था अब फलदार जैतून में जुड़ने के बाद क्या करेगा, फल लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा, है ना। लेकिन उस जो जंगली जैतून है जब वो फल रहा है उसको फिर काटो, और काट के फिर जाकर जंगली जैतून में आप कलम कर दो, तो क्या वो फल लेकर आएगा? आएगा। क्या जंगली जैतून उसको प्यार करेगा? नहीं करेगा। जंगली जैतून उसको, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, है ना, इसलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर करता है। जब आप संसार के पास जाओगे प्यार करने के पाने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए, तो संसार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, संसार आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार में से आपको चुन लिया है, संसार में से आपको अलग कर दिया है, है ना। और संसार में जाकर हम फल नहीं लेके आएंगे, हम क्या कर हो जाएंगे, हम सूख जाएंगे। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम क्या लाएंगे, फल लाएंगे। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कुर्बानी दी जाती थी तो दो कबूतर लिए जाते थे। क्या लेते थे? दो कबूतर देते थे। एक समुन्द्र के पास, नदी के पास जाते थे, और एक बर्तन लिया जाता था, और एक कबूतर को काटा जाता था, एक कबूतर को काट देते थे, उसका खून जो बहता था उस बर्तन के अंदर खून इकट्ठा कर लेते थे। बर्तन के अंदर क्या इकट्ठा करेंगे, खून इकट्ठा कर लेंगे। अब जो जिंदा कबूतर है उसको क्या करेंगे, उसका मुंह जो है उस बर्तन के अंदर डुबा देंगे, उस बर्तन के अंदर क्या करेंगे, उस कबूतर को डुबा देंगे। तो जब उस कबूतर को बर्तन के अंदर डुबाएंगे तो उसका जो सफेद मुंह था वो क्या हो जाएगा, सफेद मुंह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। समझ आया? अब वो जो कबूतर है आधा लाल और आधा सफेद दिख रहा है, उसके ऊपर खून के धब्बे हैं। समझ आया? और फिर उस कबूतर को पानी पे से उड़ा दिया जाएगा, उस कबूतर को क्या करेंगे, पानी पर से उड़ा देंगे। अब वो कबूतर जब अपने माता पिता के पास जाएगा बड़े आनंद के साथ कि मैं तो पकड़ा गया था मरने के लिए और मुझे छोड़ दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, मैं जीवित हूं, मैं बच गया, बड़ी खुशी के साथ जाएगा, जाएगा ना,
अपने घर में जाएगा, अपने परिवार में जाएगा, रिश्तेदारों में जाएगा। तो जब वो वहां पर जाएगा क्या होगा, उसके माता पिता देखेंगे हमारा बच्चा तो सफेद था, ये तो लाल है ना। उसके आस पड़ोस के लोग क्या देखेंगे, हमारा बच्चा तो सफेद था ना कबूतर, अब इसके ऊपर क्या आ गया, खून का निशान आ गया, खून का धब्बा आ गया, अब तो ये लाल हो गया। तो उसके घर के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके घर के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे कबूतर थे जिनको ऐसे ही छोड़ा गया था। तो जो कबूतर के ऊपर लाल रंग का धब्बा है, खून है, उन कबूतरों का क्या बन जाता है, एक झुंड बन जाता है, क्योंकि वो कबूतर सारे एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सबके ऊपर क्या है, लाल खून है। समझ आया, समझ आया। अब देखो, हम पहले संसार में थे, हम पर दंड की आज्ञा थी, हमें मरना था, लेकिन हमारी जगह कौन मर गया, यीशु मसीह मर गया। और यीशु मसीह का खून कहां आ गया, हमारे ऊपर। यीशु मसीह का खून, हम उसके खून के द्वारा शुद्ध हो गए, हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया, है ना। अब जब हम यीशु का खून हमारे ऊपर आ गया, तो हम यीशु के खून को लेकर जब अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, जब संसार में जाते हैं, अपने लोगों में जाते हैं, तो क्या हमारे लोग स्वीकार करते हैं, वो क्या कहते हैं, धर्म बदल लिया इन्होंने, है ना, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और जब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, वो हमें ठुकरा देंगे, चाहे वो हमारे माता पिता क्यों ना हो, चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, तब हम उस झुंड में आएंगे, जो झुंड यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया गया है, जिस झुंड को यीशु मसीह ने अलग कर लिया है, हम उस झुंड में आएंगे, क्योंकि अब यीशु मसीह ही हमारा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है, मेरा लहू तुम्हारे ऊपर आ गया है, है ना, इसलिए मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ही ने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, है ना। इसीलिए उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, अगर तुम किसी और में जाओगे जुड़ने के लिए, किसी और के पास जाओगे शांति पाने के लिए, तो तुम्हें वहां शांति नहीं मिलेगी, वहां आराम नहीं मिलेगा, वहां तुम फल नहीं पाओगे। जब तुम मुझ में जुड़े रहोगे, जब तुम मुझ में बने रहोगे, जब तुम मेरे साथ संगति में रहोगे, तब तुम फलोगे, क्योंकि तुम अब संसार के नहीं हो, पर यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हो, चुन लिए गए हो, अलग कर दिए गए हो, है ना। इसलिए हमें यीशु मसीह में बने रहना, हमें ये जानना है हम संसार के नहीं है, इसलिए संसार हमको प्यार नहीं करता। हमारे ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू है, जिससे हमारा शत्रु, हमारा विरोधी चिढ़ता है, इसके ऊपर क्या लग गया है, लहू लग गया, मैं इसको छू नहीं सकता, अब मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया है, लहू आ गया है, है ना। इसलिए हमें यीशु मसीह में बने रहना है, हमें यीशु से प्यार मिलेगा, हमें यीशु से आनंद मिलेगा, हमें यीशु मसीह में जीवन मिलेगा। कोई हमें जीवन नहीं दे सकता, कोई हमें शांति नहीं दे सकता, कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता, कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, सिवाय यीशु मसीह के, जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं, हमारे लिए वो मारा गया है, हमारे लिए वो गाड़ा गया है, हमारे लिए वो तीन दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए हमें अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से उसको प्रेम करना है। जब हम उसको प्रेम करेंगे, उसमें बने रहेंगे, फलदार जैतून में बने रहेंगे, तो हम में ऑटोमेटिकली फल आता जाएगा, हम फ्रूटफुल होते जाएंगे, हम बढ़ते चले जाएंगे, हम आशीषित पाएंगे, क्योंकि सच्ची दाखलता कौन है, यीशु मसीह है, सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, और सारी दाखलताएं क्या है, झूठी है, निकम्मी है। उनके साथ जुड़कर आप कभी भी फल नहीं ला सकते, उनके साथ जुड़कर आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते, उनके साथ जुड़कर आप कभी भी शांति को नहीं पा सकते, आनंद को नहीं पा सकते, छुटकारे को नहीं पा सकते, है ना। सिर्फ यीशु मसीह में आकर ही आप आनंद और छुटकारा और शांति पा सकते हैं। एक बार एक परमेश्वर का दास, पवित्र आत्मा उसको एक डिस्को में ले गया,
कहां ले गया? डिस्को में ले गया। और जब वो डिस्को में गया, उसने देखा जवान नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन उसने जब उनको देखा तो उनके चेहरे के ऊपर वो शांति जो उनको चाहिए था वो उनको नहीं था उनके पास। मित्रात्मा ने उसकी अगुवाही की और वो वहां के ऑनर के पास गया, मालिक के पास गया, और मालिक को बोला कि मैं 5 मिनट का समय चाहता हूँ, कि 5 मिनट मुझे चाहिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। मालिक ने मना कर दिया, तो वापस आ रहा था। और मित्रात्मा ने फिर उसको कायल किया, फिर उसने मालिक से बात की कि सिर्फ मैं 5 मिनट आपके लूंगा, क्या आप इन जवानों को वो सब दे पा रहे हो जो इनको चाहिए? उस मालिक का हृदय पवित्रात्मा ने छू लिया और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं, कल तुम 12 बजे आना और 5 मिनट तुम माइक पकड़ लेना। तो वो बहुत खुश होकर वहां से चला गया। और अगले दिन वो आया, उसने सोचा मैंने सिर्फ 5 मिनट मांगे हैं, काश मैं ज्यादा मांग लेता। तो पवित्रात्मा ने उसके हृदय में डाला, उसने कहा प्रभु अगर तू 6 दिन में सारी सृष्टि को बना सकता है तो 5 मिनट में इन सारे लोगों का जीवन भी बदल सकता है। तो अगले दिन वो उस डिस्को के अंदर आया, 11:30 बजे पहुंचा और अपनी बारी का इंतजार करने लगा 12 बजे, और उसने माइक उठा लिया और 12 बजे माइक उठाकर प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह तुम्हें सच्ची शांति देता है, यीशु मसीह तुम्हें उद्धार देता है, वो तुम्हारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा है। वो प्रचार करने लगा और पवित्रात्मा की उपस्थिति उस डिस्को के अंदर आ गई और लोग आंसू से रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, लोग सबके सब पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और उस परमेश्वर के दास ने सबको पश्चाताप करवाया, 5 मिनट हो गए, परमेश्वर का दास चला गया कि मैंने अपना काम कर दिया, है ना। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया कि सर मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसने कहा क्या सरप्राइज है? तो ऐसे नहीं, आप चलो मेरे साथ। जब वो वहां गया तो उसको याद आया यहां तो मैं पहले भी आ चुका हूं, तो उसने देखा वो डिस्को, तो डिस्को देखा और डिस्को के ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक क्रूस बना हुआ था। तो कहा रुको ये सरप्राइज ये नहीं है, अभी और अंदर चलो। तो जब वो अंदर गया तो वो जो डिस्को था वो एक चर्च बन गया था, और जितने लोग उस दिन वहां पर थे वो सब विश्वासी बन गए थे। जो वहां पर ड्रम बजाते थे, जो वहां पे म्यूजिक बजाते थे, वो सब सेवा कर रहे थे। सबका जीवन पवित्र आत्मा ने बदल दिया, सबके ऊपर यीशु का लहू आ गया। जब यीशु का लहू जीवन में आता है सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से, अगर तुम फिर से संसार में जाओगे तो सूख जाओगे, काट दिए जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, पर मुझ में यदि बने रहोगे तो सच्चा आनंद पाओगे, सच्ची शांति पाओगे, सच्चा विश्राम पाओगे, क्योंकि तो सच्ची दाखलता मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा, है ना। क्योंकि तो संसार में से उसने हमें चुनकर अलग किया है। संसार अपनों को प्यार करता है, मसीहों को वो प्यार, यीशु मसीह को मानने वाले को वो प्यार नहीं करता, है ना। हमें यीशु प्यार करता है, हमें यीशु को प्यार करने वाले लोग हमें प्यार करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं वो तुमसे भी प्यार करेंगे, जो मुझसे नफरत करते हैं वो तुमसे भी नफरत। अगर हम सच में यीशु को प्यार करते हैं ना तो हम एक दूसरे को भी प्यार करेंगे, लेकिन यदि हम यीशु मसीह को प्यार नहीं करते हम एक दूसरे से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। आमेन। इसलिए हमें यीशु में बने रहना, संसार में नहीं, संसार की चीजों में नहीं। हमें सब कुछ किससे मिलेगा? यीशु मसीह से मिलेगा। आमेन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अगर संसार तुमसे नफरत करता है, वैर करता है, तो जानो कि उसने पहले मुझसे भी नफरत किया है, मुझसे भी उसने वैर किया है, इसलिए वो तुमसे वैर करता है। इसीलिए प्रभु ने हमें संसार से चुनकर अलग किया कि हम उसमें फल लेकर आए, और बहुतात से फल लेकर आए, क्योंकि वो हमारी सच्ची दाखलता है, वो सच्चा है और सब झूठे हैं। आमेन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। रबा शांधाना।